हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकता क्रिएशन। आज हम एकदम नई चीज़ आपके लिए लेके आए हैं। ये है बेल शेल और इससे हम बनाएंगे डांसिंग डॉल। तो देखिए, जब हम बेल को तोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से टूट जाता है और इसको हम फेविक्विक डाल करके फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा तो टूटता नहीं है ना। और एक दूसरा बेल जो थोड़ा कच्चा था, उसको मैंने चाकू की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह से काट लिया था और उसके दो पीस बना लिए। तो इसके लिए चाहिए हमें टोटल 5 पीस, एक पूरा और 3 हाफ पीस। तो ये देखिए, ये फेविक्विक से चिपका तो लिया है पर ये बहुत लुढ़कता है, तो इसको हम फिक्स कर लेंगे एक अपनी बैंगल्स पे इस तरह से फेविक्विक लगा के। और ये जो थोड़ा कच्चा सा बेल था, इसको मैंने चाकू की सहायता से एक एक इक्वल हाफ ऑफ पार्ट कर लिया था। अब एक कुछ इस तरह से एक हम लूप बनाएंगे। ये मैंने फॉइल पेपर का जो रोल था उसमें से काट के बनाया है और इसको अपने जो गोल वाला बेल था ना, उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। और इसको बहुत अच्छे से सिक्योर करने के लिए इसको और ऊपर से पेपर टेप से टेपिंग कर देंगे, जिससे ये बिल्कुल भी हिले ना। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम बनाते हैं इसका सिर। इसके लिए हम एक छोटे पार्ट को बड़े पार्ट के ऊपर रखेंगे और बड़ा वाला हिस्सा जो है ना, उसको हमें सिर बनाना है। और इसको इस तरह से रख के हम फेविक्विक, फेविबॉन्ड किसी से भी अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत आसानी से मज़बूती से चिपक जाएगा। अब हम एक न्यूज़पेपर लेते हैं और कुछ इस तरह से रफली उसका रोल बना लेंगे हाथ बनाने के लिए। शुरू में किसी भी चीज़ से रोल कर लीजिए। अब देखिए, कुछ हाथ की शेप हम उस रोल को दे के ऐसे चिपका देंगे और इसे भी हम पेपर टेप से अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे, जिससे ये हिले नहीं। तो देखिए, ये 3 पार्ट हमारे बन के रेडी हो चुके हैं और कुछ इस तरह से हमको सेट करने। देखिए कुछ ये नेचुरली कितना सुंदर लग रहा है स्पाइस नट्स बना के। आप इसको वैसे भी रख सकते हैं। अब हम इसके बाल बनाएंगे। उसके लिए मैंने ऊन ली है और ये जो उसका हेड था, इसके ऊपर अच्छे से फेविकॉल लगा के मैं इसके बालों को यहाँ पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अभी आप कहेंगे कि ये घुंघराले घुंघराले कैसे हैं ये। हाँ, ये ऊन है और ये मैंने एक स्वेटर उधेड़ के निकाली थी, तो कुछ करली करली से इसके हेयर बन गए, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे करली करली, तो मैंने इनको स्ट्रेट नहीं किया और ऐसे ही चिपका दिया। अब देखिए, मेरी ऊन थोड़ा कम पड़ गई और पीछे की तरफ इसकी जो सिर है खाली खाली दिख रहा है, तो वहाँ मैं उसको ब्लैक पेंट कर दूँगी। अब यहाँ इसकी शर्ट की फ्रिल बनाने के लिए आस्तीन की कुछ इस तरह से कटिंग करके यहाँ मैं चिपका दे रही हूँ, ये इस तरह से। तो देखिए, लगभग हमारा बेस बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर पेपर की प्रिंट छुपाने के लिए हम इसकी आस्तीन पे वाइट कलर कर देंगे और इसके फेस जो है उस पर देखिए कितनी झाइयाँ झाइयाँ हो रही हैं अभी से, तो उस पर हम वाइट कलर कर देंगे जिससे इसकी फेस की झाइयाँ छुप जाएँ। और जो हम इसका फेस का कलर करें वो अच्छे से आए। तो देखिए, इसकी स्कर्ट में मैंने ब्लू कलर किया है और शर्ट में ऑरेंज कलर। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं। देखिए ये कितनी आसानी से सब बनता चला जा रहा है। अब इसके फेस में हम ये स्किन कलर करेंगे, ये और वाइट में थोड़ा सा ऑरेंज कलर बना के फिर स्किन कलर बनाया है। अब इसी तरह से इसकी गर्दन में भी हम यही कलर भर लेंगे। देखिए लगभग ये तैयार हो चुका है। अब हम इसका फेस बनाते हैं। यहाँ मैंने चिपकाने वाली जो बाज़ार में रेडीमेड आइज़ आती हैं वो लगाई हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कलर से भी बना सकते हैं। ये मैंने पहले से थोड़ा सा आँखें ड्रॉ करके रख ली थी, जिससे थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए। और ये एक्रेलिक कलर से इसकी फाइनल टच दे देंगे आँखों को। तो देखिए ये कितनी सुंदर सी इसकी आँखें बनके तैयार हो रही हैं।
एक्रिलिक कलर से ही हम यहाँ इसके लिप्स बना देंगे और फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। लग रही है ना इसकी आंखें बहुत सुंदर सुंदर सी। इसको बनाना बेहद आसान है और आप सोच भी नहीं सकते कि बेल शेल से आप इतनी प्यारी सी चीज़ भी बना सकते हैं। ये जो इस एक कागज़ का ये पीस मैंने काटा था और इसकी मैंने इसकी नोश बना दी है। मुझे इसका प्रिंट कुछ ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो मैंने इस पर कलर नहीं किया है। और देखिए इस नोश से कितनी प्यारी लग रही है। ये जो इसकी माला बनाई है ये एक पुरानी राखी थी पिछले साल की, तो उसका मैंने इसका हार बना दिया है। सारी पुरानी चीज़ें ही मैंने इसमें यूज़ की हैं। ये जो लेस आप देख रहे हैं ये एक शादी के कार्ड में आई थी तो वो मैंने निकाल के रख ली थी। तो यहाँ देखिए इसकी कितनी सुंदर इससे बेल्ट बन के तैयार हो गई। ऐसे ही छोटी छोटी घर में जो चीज़ें पड़ी हुई थी वही सब मैंने इसमें यूज़ किया है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जीरो बजट में अपनी चीज़ें जो घर पे हैं उन्हीं से आपको कुछ बनाना सिखाऊं। ये एक छोटा सा रोज़ पड़ा था, उसमें 4 पीसेस थे तो उनको मैंने अलग अलग निकाल लिया है। तो ये मेरे फोल्ड 4 फूल जो हैं इसके सर पे मैंने सजा दिए हैं। ये जो नीचे मैं लेस लगा रही हूँ ये कोई ज़रूरी नहीं है आप लगाएं, पर इसका काम बस यही होता है कि आपका बेल जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है इससे उसमें फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए ये हमारा बेस बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसका हेड सेट करेंगे। तो देखिए बेल में ये हर बेल के अंदर ये पॉइंट होता है और इसकी फ्रंट में आगे बस यहाँ से हम इसको टच कर देंगे। देखिए इस तरह से और हो गई हमारी डांसिंग डॉल रेडी। तो आपको कैसी लगी ये प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।